तो कैसे हैं दोस्तों, आप लोग स्वागत करता हूं मेरे एक नए वीडियो में, जिसमें कि आज मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे बेस्ट फ़ोन जो कि 25,000 यानी 25,000 के अंदर आपको ऐसे पांच बेस्ट फ़ोन्स जो कि आप ले सकते हैं बिना झिझक के और बिना कोई नुकसान के। तो ये कौन से पांच फ़ोन है, इस जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ पांचवें नंबर का स्मार्टफोन, जो कि है हमारा Vivo V20। इसमें 6.43 इंच की FHD प्लस एमोलेड स्क्रीन देखने को आपको मिल जाती है। 64+8+2 मेगापिक्सल का आपको पीछे की तरफ ट्रिपल रियर सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 44 मेगापिक्सल का OIS कैमरा दिया गया है। रैम बताऊं तो 8GB, स्टोरेज बताऊं तो 128GB, 4000mAh की बैटरी है, 33W की फास्ट चार्जिंग दी गई है, और इसमें आता है क्वालकॉम तरफ से स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, और कैमरे के मामले में वीवो बहुत ज़्यादा आ गया। किसी को कैमरा के लिए अगर 25,000 का फ़ोन चाहिए तो ये आपके लिए परफेक्ट फ़ोन होने वाला है। तो जो चौथे नंबर का स्मार्टफोन है वो हमारा मी की तरफ से आने वाला मी 11 लाइट, या फिर आप ले सकते हैं रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। दोनों ही स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा सेम है, बस इतना है कि रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है। दोनों ही 6.55 इंच के FHD प्लस स्क्रीन देखने को मिल जाती है। 64+8+2 5 मेगापिक्सल का आपको पीछे की तरफ ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है। रैम की बताऊं तो 8GB का रैम, 128GB की स्टोरेज आती है। बैटरी में 4520mAh की बैटरी आती है, 30W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, और आगे इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। हाई टू हाई टास्क बहुत अच्छे से वो करता है। तो जो तीसरे नंबर का स्मार्टफोन है वो है वन प्लस की तरफ से आने वाला OnePlus Nord CE 5G। हाँ दोस्तों, ये एक 5G फ़ोन है। इसमें आपको 6.43 इंच की FHD प्लस फ्लूइड एमोलेड दिखने को मिल जाती है। डिस्प्ले उसकी 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बात करें अगर हम इसके कैमरा की तो 64+8+2 मेगापिक्सल के पीछे की तरफ ट्रिपल सेटअप कैमरा दिया गया है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। बैटरी की बात करें तो 4400mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। 30W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, और इसमें प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर लगा है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 750G, जो कि 5G रेडी प्रोसेसर है, और ये एक 5G फ़ोन है। तो 25,000 के अंदर अगर कोई आप 5G फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फ़ोन है, और ये OnePlus की ब्रांडिंग के साथ आपको मिल जाता है। तो दूसरे नंबर का स्मार्टफोन है वो भी एक 5G फ़ोन है, जो कि आता है IQ की तरफ से, IQ Z। ये एक बहुत अच्छा फ़ोन है, IQ Z3 इसका नाम है। 6.58 इंच की FHD प्लस 120Hz के IPS LCD पैनल देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ डिस्प्ले को देखने को मिल जाती है, और अगर मैं इसके कैमरा की बात करूँ 64+8+2 मेगापिक्सल के पीछे की तरफ ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। रैम इसकी 8GB है, स्टोरेज 128GB की स्टोरेज है, और इसमें आपको 4400mAh की बैटरी मिल जाती है। 55W का चार्ज चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देता है आपकी चार्जिंग को। और अगर इसमें बताऊँ प्रोसेसर के बारे में, प्रोसेसर में इसमें लगा है 768 5G प्रोसेसर, जो कि 5G प्रोसेसर बहुत अच्छा 5G प्रोसेसर है, और ये आपको 21,000 में भी ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है आपके लिए ये। तो बात करें हम हमारे नंबर वन फ़ोन की, जो कि है मोटो की तरफ से आने वाला अभी तक का सबसे लेटेस्ट फ़ोन, जो कि है Moto H20 Fusion। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन होने वाला है, क्योंकि इसमें 6.67 इंच की FHD प्लस एमोलेड स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको 108+8+2 मेगापिक्सल का कुछ पीछे की तरफ ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और इसमें रैम की तरफ आपको मिल जाती है 8GB की रैम मिल जाती है, 128GB की स्टोरेज मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी आपको देखने मिल जाती है, और 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है देखने को। और इसमें लगा हुआ है MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 800U, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है और बहुत ज़्यादा उसमें पावर है, क्योंकि वो 6NM प्रोसेसर बेस पे है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी और पावर इफिशियंट प्रोसेसर है वो। तो ये थे कुछ पांच ऐसे फ़ोन जो कि आपको 25,000 के अंदर के मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप सोच रहे होंगे बाकी क्रिएटर्स जो आपको बताते हैं कि आप Poco F3 GT ले लीजिए, Realme X7 Max ले लीजिए, Samsung A52 ले लीजिए, पर दोस्तों मैं इसलिए आपको ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑफर्स में ही 25,000 तक में ही आते हैं, वरना ये हम इनकी प्राइस जो रहती है रियल प्राइस है जो 25,000 से ऊपर की है, 27,000-28,000 की ऐसे आती है। पर अगर आपको कभी भी Realme X7 Max या Poco F3 GT, ये दोनों फ़ोन अगर आपको कभी भी 25,000 तक में मिल जाए, तो वो जो पांचों फ़ोन मैंने बताया है उनको साइड करिएगा और यही दोनों फ़ोन में से कोई एक फ़ोन ले लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों फ़ोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये पांचों फ़ोन्स के मुकाबले और फीचर्स के मामले में भी। अगर मेरी माने तो ये दोनों में भी आप Poco F3 GT की तरफ ज़्यादा जाइए, क्योंकि Poco F3 GT आपको गेमिंग लुक
और डिज़ाइन कैमरा सबके मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है रियलमी एक्स सेवन मैक्स से ज़्यादा। तो मेरा मानना ये, अगर ये दोनों फ़ोन से आपको कोई मिले तो पोको एफ से जी टी की तरफ ही जाइएगा। तो यही थे 25,000 के अंदर और 25,000 के बाहर आने वाले फ़ोन जो कि आपको मैंने बताए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स हैं। और मेरी बात याद रखिएगा, अगर 25,000 के अंदर आपको पोको एफ थ्री मिल रहा है तो आप उसे ही लीजिएगा, पोको एफ थ्री जी टी को ही ले लीजिएगा, बाकी किसी फ़ोन को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी ना लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो मेरे को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करिएगा। आपका कोई फीडबैक हो, आपका कोई सवाल हो, कुछ भी हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब देता हूँ और आपके कमेंट भी हमेशा मैं पढ़ता हूँ। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, खुश रहें, ख्याल रखें और सेफ रहें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।